और गुमनामी के लिए कम किया और बेशुमार जुबान प्रमोट करने से कश्मीरी गोजरी पहाड़ी रास्ते में बहुत कम किया। राणा फजल हुसैन वो भी कश्मीर को लेकर तो सिख जाए मैं उन्हें कहता हूँ कि समस्या की प्रक्षण का तो सुनने वाले हैं इस बार। इसके बाद मैं अपने अजीज बहुत ही छोटी उम्र बैरिस्ट्री पास करती है बड़े एजाज मिलती है और उन्होंने बड़ी मुबारक मिली जानकारी मिली मुझे पिछले हफ्ते उन्होंने यंग अचीवमेंट अवार्ड मिला। मैं जनाब फयाज अफजल ने गुजारिश कर सकता बैरिस्टर साहब की कि उस दिन कुछ मिला
शिक्षा दोस्त होते हैं जो चैनल में शिक्षा पर बोलो और अपने अपने ख्याल नजार कर अपनी किताब असल जबान पहले भी लिखी हुई है अगर शहर के बेशुमार लोगों ने लिखी है और काबिल तारीफ लोग सुन रहे हैं मोहम्मद साहब सन ने जबान पर ट्रेड सन ने अब्दुल हक सन और ऐसे बड़े बड़े असल मुकर्र हो रहे कभी ना करने के लोग को ऐसा सुल्तान हो रहे कि असल जबान लोग सुन असल जबान बोलने से पर आज भी कुछ लोग अपने अपने दिल इस बात में इजहार करना चाहें कि मैं किताब पढ़ी है उन्होंने कुछ लोगों की दावत को दसा है अगर निसार और गोरी साबित है तो वो अच्छों का अपने खिलाफ नहीं है मैंने सबसे पहले इस किताब को इस तरीका से पढ़ना शुरू किया कि इसके तनकीद से पढ़ना हुए तनकीद करना गलतियाँ या किस तरह लिखी गई है पढ़ना शुरू किया है मैंने इस महसूस किया है कि हमारा सब मुश्किल है तो जिला में इसने कुछ चार वर्के पढ़े तो मैं महसूस किया कि एक और आसान होनी चाहिए हमारा आसानी है तो मैं शुरू की तनकीद नहीं होनी चाहिए बल्कि उसे भी दुरुस्त करना चाहिए तो असल होकर ज्यादातर एतराबी है कि असल जिस डिजाइन तनकीद कर रहे हैं खाली तनकीद ही कर रहे हैं उसकी दुरुस्त ना कर रही मिसाल देना दूसरा उन्होंने शहीद होए
उन्हें दो चीज़ों ने चीज निकल गया और आगे बताया असल की आपने जबान या आपने कश्मीरी होने कुछ ना कुछ करना चाहिए तो उन्होंने मैं ये दसना चाहना कि उन्हें एकदम करी ना साबित करी तो बताया कि ताक देखी है और आज उसने समय ये पेश की है तो मैं इसी को रखता हूँ पर मैं जनाब मोहम्मद जहांगीर साहब का डरते हुए उनकी गुजारिश का समय मतलब करूंगा उनकी गुजारिश का समय उच्च है इस किताब के बारे में सुबह के बारे में अपने हवाद में जवाब करें मोहम्मद जहांगीर साहब तमाम तारीफा उस रात के वाकियां जिला अपने इलम रहे करम और अपनी कुदरत नाल अपनी मखलूकात पर मनी मरे दोस्त सारे सरब मुझे नहाता मरे मेरे का दोस्त बैठे हैं चौधरी अदालत अली वो जेल लोग जन्नत बार में सबसे पढ़ने तूना एक फजल अक्सा दे वो बड़ा ईमान गाली गाते बाजे तुआ एक मजमून लिखने उसने जो एक शख्स मुताबिक कराने जिसकी वो गेस में दरा था उसने ना गला बात करने और फिर जवाब सवाल ये हमारे दोस्त के लिए पिछले है दो त्रै दिन हुए गए हमारे को गए और इन्होंने उसे गेसू करा दिन करा की है धमकी दी थी कि भलिया का मैं तुम्हें घर गई तो समझाना सा कि सारी जी जबान है ये लिखाई पढ़ाई में आई सकती है तो तू नशे मनो मैं बार बार ये कोशिश की तू नशे मनो और मैं इस अपने कसूर की तस्लीम कर रहा कि वाकई बिल्कुल सही गल हो गया मैं नशा तस्लीम कर रहा कि किस तरह लिखी जैसी इसकी कौन पड़सी और पड़सी तो किस तरह उस मकसद तक पहुंची जरा लिखने वाले ने जवाब पूछो किताब पढ़ने का मतलब ये नहीं होगा किताब पढ़ने का ये मतलब होगा कि इंसान नहीं जरा शऊर है और लिखने वाले तक पहुंची जाए वो कहीं जगह बोल रहे तेरे ग्रुप नाल उसने ताल्लुक है क्या वो कहना चाहता तो मेरे ख्याल के मुताबिक चूंकि मेरा नॉलेज थोड़ा सी मुझे अफसोस है इस बात में मेरी माधुरी सुना है कि उससे ग्रहण रहने वाले लेकिन असल जिस तरह पढ़ने से सबूत है असल की दसिया गया कि कायदे आलम मोहम्मद अली जना ने उर्दू जबान की अपनी कौमी जबान करार दिता असल पूरी कंसंट्रेशन और पूरी मेहनत और मशक्कत उस पर की थी हालांकि मैं अनपढ़ आदमी उनकी बोलने में भी कोई जांच नहीं लेकिन फिर भी मैं खुद कोशिश करना रहा इधर मैं बड़ी घट कोशिश की थी लेकिन चूंकि मेरा दोस्त है मेरे वास्ते काबिल एहतराम है और इस किस्म की धमकियां दीतियां और सुल्तान राही जरा तो मैं क्या दोस्ता मैं सारी पब्लिक को मदद कर सा मैं कोशिश कर सा अपनी जबान उसमें बोल लेकिन अगर इसने कोई लफ्ज को पिछवाए जाए तो मैं मदद करना सारे को बैठे मैं ज्यादा वक्त ना इस वास्ते कि मैं लगा कि इतने बड़े बड़े मैं तालू क्या कर रहे मशाया किता उसने हमारे नाम बेहतर पड़े हुए लोग समझदार इतने मौजूद है जिन्हें इस पर अपने ख्याल सुन लेकिन एक दो गलत जरिया मैं जरूरी कहना चाहता हूँ कि मैं हर आदमी जरा दूबे आदमी ने सामने आने गल करना उसने दो मकसद है या वो अपना नादक दूबे की कसना या दूबे ने नादक सुनने मसले को कबूल करना मैं नादक कसने जो कोई ना मैं अनपढ़ गया बंदा ये इतनी शक्त और प्यार और मोहब्बत है कि ये बंदे की आके और तुम ख्याल आ इंसान ना गलत बात बात लेकिन जरा मैं समझ रहा हूँ उसने बात में ये बात कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे कब्जा किया है हिंदू ना की अमरीको भी तो कश्मीर की नहीं गए उन्होंने जिस तरह कश्मीर दी पहाड़ियाँ उत्थे ने मगजार उत्थे ने खूबसूरती उत्थे ने फुल तके तो बड़े हैरान हुए कि इस किस्म का खिता इस हर जमीन में मौजूद है इस कायनात की जरा सा इसी पहले तकिया लेकिन जिस वे सारे बंदे ने करीब के तो उन्हें ये मनिया पी गया
कि कश्मीर में लोग इस्लाम नाल मोहब्बत करने मोहम्मद मुस्तफा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वली सुन्नत ताजबे अपने दीन नाल मोहब्बत करने नमाज नाल मोहब्बत करने के बा मकसद लोग कोई नस्ल ऐन है जिसने मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहे उन्होंने गल की सारे लोगों को किताबा कसी गई और असा की लाया भटा नाल बकरिया नाल मंजी नाल के दुध पीसा असा जब अस इस्तेमाल कर सर खला असा इस्तेमाल कर सर तुसा चारने रहो तो नसवार खाने रहो तो असा कुछ इलम नहीं आया इसलिए जब तुम यही सदियों पर मुकीत सिलसिला चलिया तो असा की जी अवधि जी खासियत है अफसर जिसकी वजह तुम खुदावंद करीम ने इंसान की करार दिता है वो सिर्फ और सिर्फ इलम सारे को इलम नहीं सी मैं अदालत साहब ने कहा हां यार असन पढ़े लिखे लोग ने सब पता नहीं केड़ी जुबान बोलने सा तो हम जहालत नहीं वजह तो हम पढ़ होने वजह तो बिगड़नी है सारी विपरी बनी गई ये सारे ख्यालात नहीं सारे एहसासात नहीं सारे जज्बात नहीं तो बेमानी नहीं कर सकनी लेकिन इस बंदे ने भी सबक कर दिया कि एक कर सकनी है इसने दामन भी वो फुल है जेडे तू मेहनत नहीं सकना ना तू ना किसी नहीं सकना है ना तुम्हारे जो शहूद है मेरे बिच वो है मैं तो ये करी दसा अब उस बंदे करी दसिया मैं उसमें शुक्रिया भी अदा करना उस तो बाद मैं तह दिल में मुबारकबाद देना और काफी जहालत ना और खुआ ना बेडरूम होने ना लेता ये बहुत बड़ी बात उस तो बाद मैं उसका सही कि कुछ लगे है तो मैं किताबा सारे को किसी की नहीं आसा कुछ ना रहा लेकिन आज तेरी गल कुरान ने इलम च होनी है और बंदे ने इलम च नहीं होनी और मखसूस बंदे के मैं पता होना उन्होंने सारा शमार तो है नहीं तो होया है कि जिसने असल की कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की मैयत पे पाकिस्तान मिलया असल थोड़ी आजादी मिली थोड़ा ठंडा सांस लिया क्योंकि सारी फितरत भी सारी मैयत अल्लाह तला ने इलम अकल और शऊर की मदयत कर दिता सी जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरा तेज है ताकि असं फिर पूरे असं फिर उठे आजाद कश्मीर कश्मीर बड़ी तरक्की की थी बड़े बड़े आम अहदे अपनी इलम अकल और शऊर की दुनिया को मनवाया डॉक्टर महबूबुल हक तुसा तक पाकिस्तान में वजीर खजाना रहे बड़ी बड़ी अहम पोस्ट बने यूनाइटेड नेशन में रहे वो बंदा कश्मीर में सी जिसनी अकल नहीं फिक्र नहीं और उसकी शऊर ने दाद पूरी दुनिया दी है बहुत सारी बातें लेकिन मेरे को इतना वक्त नहीं मैं सिर्फ इस बात पर गल खत्म कर रहा कि कौन हम जो राजधानी है लोगों को फायदा होता है मैं राजधानी में गया सबसे पहले मैं निकल गया था क्योंकि लोग बजाय तक सारे घराने का राजा साहब है वो मुलाजम है आर्मी में है और वो कोई पोस्ट है हम लोग कोई अफसर है मीके आज तक नहीं बताओ कैसे वो पोस्ट कैसे कुछ नहीं आई ये तो रखा दिए कैसे लेकिन असल में लोगों ने दला के सहारा थी कि असल भी अगर बने बेगुनाह सा पकड़ी गया जिस तरह सारे माजरे हो ही गया जिन्होंने निशानदेही मेरे दोस्त में अपनी किताब में की है प्यास खैर की नाराजी होने की कराया कर सी असल की प्रोटेक्शन दे सो ताकत दे सो सारे आप से आप जो छोड़ो ये गरीब बंदे मस्कीन बंदे इन्हें पता किसी गलती करी हुई उस तो बाद एक सैयद थे मेरे हमूर अल्लाह ताला जन्नत में सिखाया उस दुनिया पर चले गए उन्होंने पढ़िया वो आर्मी में भी डायरेक्ट लेफ्टिनेंट पढ़ती है उस तो बाद उन्हें भी लिखा गए असल की बड़ी खुशी हुई उस तो बाद सारे ग्रां में एक बच्चा है चौधरी नूर हुसैन है उसने इंग्लैंड में पहली दफा डिग्री की थी असल की बड़ी खुशी हुई मेरी आज तक नहीं पता कि उस डिग्री में ताल्लुक मेरे सूबेदार है देखो महाराष्ट्र इतना ही काफी है कि उसने तो डिग्री उस तो बाद और बच्चे और बच्चियों में पढ़ी रहे उस तो बाद एक सारा बच्चा ताल्लुक पहले कराया गया कि इसकी अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत ना बसीरत थोड़ा बसारत थोड़ा जहाँ मालूम रखा थोड़ी कमी रखी लेकिन इसकी बसीरत इतनी दिखी इसकी अकल और शहूर इतना दिता कि इस हालत में भी इस बंदे ने बारिश भी पास की और आज सारे वास्ते बाय से फखर एक बच्चा सारा और भी है तहलील भी छोड़ना उसने भी बड़े अच्छे नंबर नाल बड़े इज्जत नाल बड़े वकार नाल वकार पास की है ये अल्लाह का एहसान है उसने कर्म है कि आज बड़ी खुशी और मुहब्बत नाल आज इस बात पर फखर कर ही गया कि खुदावंद करीम ने असल के वक्त दिता कि असं फिर उम्मीद है इलम जरा है ये मुसलमान नहीं इंसान नहीं और बिलखसूस मुसलमान नहीं निराश है असल की दानिशता तौर पर इलम को दूर इस वास्ते रखा गया कि ये लोग इलम की इलम नहीं सूरत तजाती तौर पर इलम नहीं हासिल करने ये लोग वो इलम हासिल करने जिसने ना लगे अपनी जिंदगी गुजारने ताकि अल्लाह के सामने जिसने समझा तो असं सर शुरू हो और बड़ी जूत में लगा था कि जरा इलम
अकल और शहूर तुम से रवैये की तासीर असा अपनी कोशिश की और उसने मुताबिक जिंदगी गुजारी है। इस वास्ते इसने सारे को किताबों के किया और उसने की फंडामेंटलिस्ट आ गया। फंडामेंटलिस्ट क्या है कि असा ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने हैं और अल्लाह ने फरमाया है काम में जालिम ने खिलाफ हासिम ने खिलाफ लड़ने हैं। इस वास्ते ऐसा बुरे सा लेकिन आज वो आ ही गया कि लोग मजबूर हो गए कि असा ने खाता भूखे का मुख लगे और असा इंशाल्लाह बाप देखना कई बच्चे मेरे घर आने जेडे इसलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ी रहे और डिग्रियां वास्ते कोशिश करी रहे वो बहुत दूर नहीं रह गया है कि एक ही सारी अपनी जबान है। इस मतलब मैं एतराफ कर चुका हूँ जितनी वाकफियत मिली आज हुई है इतनी मिली नहीं सीखो कि मेरी अपनी मादरी जबान है लेकिन इस बंदे ने अगर मेरा दोस्त है अली अदालत मैं ना जानना कि ये आजाना सकरात है मैं ना जानना कि ये आजाना मंसूर हराज है मैं ना जानना कि आजाना जुल्फकार अली भुट्टो है मैं ना जानना कि आज ना सालक सदीकी है लेकिन इस बंदे ने पूरी दुनिया में बगावत की थी पूरी दुनिया इस पर एतराज किए एहतजाज किए इस वक्त तक सिलसिला जारी है लेकिन इसने इंतहाई सब्र और अमल अल्लाह रखा और जिस मिशन वास्ते इसने कोशिश की थी अल्लाह का फरमान है कि ला यसबुरु लिनसान इल्ला मा सहा कि तुम जिसके लिए जिस मकसद के लिए जहद करोगे मैं तुम्हें कामयाब करूंगा। आज अल्लाह ताला इस बंदे की कामयाब करता है मैं तहे दिल से इसकी मुबारकबाद देना और फिर मैं बताया जा रहा कि मौलाए कायनात करीम उल्ला शरीफ खुदा अलैहि सलाम का कौल है कि इंसान जिस बात को समझता नहीं उसको मानता है जिस वजह से इसने अपादियत की अहमियत की और असर डरपोक लोग असर फेड़े हुए लोग असर दुनिया के सामने अपनी जबान ना एतराफ करने और बोलने ऐसा कंपनी मुकल आया और एक बहुत बड़ी बीमारी है असर की अपनी जबान की बोलना चाहिए ना और दुनिया की मजबूत करना चाहिए ना कि मैं अगर नहीं पढ़ना तो पंजाबी समझ सकना अंग्रेजी समझ सकना अंग्रेजी बोल सकना फारसी समझ सकना फारसी बोल सकना तो क्यों नहीं लोग मेरी जबान की अहमियत दे रहे अहमियत फोन किया जा रहा है सदाए दौर नहीं रहता एक दिन हम उभरेंगे और हम अपने आप को मनवाएंगे कि इंशाल्लाह हमारी जबान है हमारी छकावट है और हम इस बात में काम आएंगे हमारा मैं जरूर बोला अदालत साहब उन्हें तो खूब घुमाया हुआ है उन्होंने दादी और मासी फातमा भाई उन्हें के लिए मैं आखा मैं स्टेज पर अच्छा मैं अपने को मैं गुना कर सकती मारे बारे में आज
पूछ या समझने वाले का या इस बार पाली के पालने वाले का अपने बल के ऊपर दर्द से प्लीज शायरी शक्ल जो ऑलरेडी मौजूद है लेकिन इस शक्ल जरीदार साहब ने इस किताब पेश किया कहते हैं कि बड़ा अच्छा कदम है और ये इंकलाब इस जबान में इंटरनेशनल लेवल पे मुताबिक के बाकी हम दुआ है कि ये अल्लाह भी इसका जो डाली गई किताब ने लिखने का जो खुशी
इस पुष्ट संगत हारे कितना तेज है यार। मैं सच्ची शब्द दसा जिस वेले दारे जीरे की किताब आई थी मैं बोला कि नंदाली कश्मीर सा जिस पहली दफे किताब में तकी है यकीन जानो मैं अपने अथू आई गई अल्लाह के अथू कह जारी शह बनाई है जब तुम भी अथू ब्याह हो जाए तो उम्मीद पहले जरा खुशी भी बेहिसाबी हो जाए तद उम्मीद है निकली है इसने और खुशी ना मारे अथू नहीं सिर्फ हमने कि और जबान जो हमारे कान बच गए तो सुनने इसने सन ये हमारी जीव ये उसकी पानी लेनी सी लेकिन ये अखा ये अखानी शक्ल में उसकी काम सब तकने वाले तरस नहीं लेनी सी। मैं किस तरह दसा जिस वाले किताब आई है मैं बार बार उसकी तकिया तकिए फिर मुझे उसकी तक्का में लेकिन फिर भी इन अखानी जड़ी और तरस ही और मुकनी नहीं सी ए अखम दी ठंडे बिना इस जबान की काफ़रम लिखी है ए पूछाई में दाले जी मैं सच अपना ने आज मेरे को लाश कोई नहीं मैं महसूस करना जिंदगी जैसे मौके भूल दफा अशने मैं आशा के इस वेले इंसान के एहसास होना है कि आज वो लफ्ज सब को लौट दे असन दिले ने सही मसन नक्शा पीछी सकन तो फिर मैं दसा रहा उसकी दाल की तकी तक क्या खुशी ना क्या पालन पा रहा है मैं सब ये खुशी ने पालन पा ले रहा सोचे कले में की सी मैं यकीन जानो इन्हें किताब या तबलीग जमात ले बिस्तर जा रहे सने या मैं इन्हें किताबा ने कटने खोल रखी होनी सी जिस तरह से मैं जाम मैं बजा जाम तामी कोल मैं कचहरी जा तामी कोल मैं सुने जा तामी मैं सीते जा तामी मैं जिसकी किताब दीती है यकीन जानो मैं महसूस की तजर पहाड़ी ने बुखार नहीं चढ़ा तो हर शख्स की सतह चढ़ी है यकीन जानो असल सब तुम पहले जी महफिल रखी है उसे पहाड़ी संगत ने एक तंजीम उसे बनी है जिस दुनिया की सर जमीन में उसे एक महफिल हुई है यकीन जानो जरा की किताब तक न सी पढ़ना सी उसका अजीब हाल होना सी ऐसे स्कूल में मास्टर ने नहीं ये मसले इमाम ने भी हाल ही ऐसी कसम से मैं अपने अच्छा तकिए मैं फलाई में साहब लोग पढ़ने आते हैं इसका दाल की इन किताब मैं फले में शक्ति क्योंकि बुरे लोगों की पहले पहले कोई नहीं था ते थोड़ी कोई भी हमारे साथी आ गया दूसरे सफ़े पढ़ो अगर सोखी हुई जानी है वो मैं फला लाए लाए पढ़ने से हजरात सच पूछो आज मेरी जबान ये गूंगी जी हुई है मैं क्या कहूँ कि दाले जी ना उस कौम की को एतमान को यकीन बख्शिया मैं उस अपने इलाके के वाक्य से सुनाना दुलियानी महफिल में एक बहुत बड़ी हस्ती उन्हें तबीर वास्ता आया कि तकलीर करो उन्हें आया कसम से अगर मैं कदे भी ना सा राजी होना मैं कदे प्यार ना आया आज मैं कदे भी ना मुकर लगा और इस वजह से पहले मैं ये हो रहा सी कि मैं उर्दू में इतनी कोई नहीं पर मैं उर्दू से नहीं गलतियां ना करा तो लोग असल आज उस जमाने में तकलीर और सी जी बचपन में वो बोलना आशना मैं सुनना आशना आज जिंदे ने शक्ल पड़ी है तो यकीन जाना उन्हें इतनी सोने लगने तकलीर की थी है कि बाकी इंसान काशिश करे उठना सी दाले जी ये किताब नहीं लिखी है एक सौ ओ जब पलियार असली सोचा ने पिछले ने दिता है उसने एक सौ मोह बनाई है तू साओ राह खोली है तू सा सो अपने आप की लो लहन तक कई किंदा है किताब लिखने में यकीनन बड़ी मुश्किल पेश है शनियन लेकिन उस जबान में जिला अगर तक पर कोई दिसने ला रब नहीं नजर ना आशना है कि उसने कदम पर पैर रखी
खुले मंजिल बड़ी मुश्किल हो गई है। इन अंदर कोई रेफरेंस नहीं किताबा नहीं सिर्फ जिन्हें तकीदा हमने के चलो है एक वाला या इन अंदर कोई पाई डिक्शनरी है सिर्फ जिन्हें को और दस तके जानो डिक्शनरी भी आपको सुनो रामरी आपको सुन चलने ले भी आपको सुन इन्हें की मुश्किल तकियां और यकीन आप कोई बात सुन लेकिन मैं आज भी अपना मैं उठे भी अपना रहा जिस बेला इन बाने सुन में कहानियां लिखना या इन्होंने दाद कभी नहीं पता वो क्या वजह सी इन्होंने आपने नो लहजे सी कोई यकीन सी कि जड़ी इन्हें गल आखिए में उस वेले भी इतना यकीन सी जितना किताब तक ही नहीं यकीन है भी पता सी किताब आई सी और यकीन रही सी और पहले नहीं होने इस बार लहजे लगी ना सी इंशाल्लाह। आज मैं चाहता कि दिल दे कर मैंने बोलता ही नहीं लेकिन मैं चाहना कि जिसका माड़ी है जिस बात का हाल है माड़ी है काश है माड़ी सद है कि जो काम इन्ना किया है मामूली काम कोई ये वो काम है जो सदियों से लोग सोचने आए थे नहीं कि इसको पहले लोगों ने सोचा कोई नहीं कि पाड़ी लिखा जाए बड़े लोगों ने सोचा लेकिन इस दान की मुश्किल तक ही औखन मंजिल तक ही उसे हिम्मत नहीं की थी आज आगे दाले वीरा ने इदारा किया और उसकी अपनी शक्ति साबित किया मैं आसान इन्ना उस कौम की ऐसा यकीन बख्शा वो एतमाद बख्शा कि जिसको साबित होया कि जदों इन भी काम होना है पैर तक से करनी पैनी है तो मैं इस पहाड़ी जबान के लिखने की पैर की दालों की और सारे की इन्हें दिन आया सब मुबारक दे रहा है ये पूरी कौम का मामला ले और मुझे सब पूछो तो मैं जान रहा हूं मैं अपने गलत की ज्यादा में कुछ तूल ना दिया मैं लिखा है अपने रजवी साहब बैठे हुए लाला साहब बैठे हुए और ये बाकी साथी मैं चाहना कि मैं आदि ना नहीं सुना दालत जी मैं आखिरी दफे तुसा ने तो आसन नाल अब सारे थे लोग जमा माड़ी निकी जी एक स्नेहा आई कि लोग कि मैं जिला उठे भी असने जिला जिला पर सच पूछो दाली जी ने किताब अदबी लिहाज नाल भी मैं से आसा शब आ रहा हूं इन्होंने कोई कहानी चाहे कि नो उस कहानी में तुसे आपने वतन की जो मट्टी है उसकी जरूर खुशबू आई सकती उस किताब में गुलामी ने जो संगला ने उन्होंने छिड़का के वहां की जरूर सब महसूस हो सकती वो किताब खाली ये नहीं है कि उस इलाके पर ना लिखी है जिसे उन्होंने डैम ने पानिया में डूबने वाले लोगों ने बस जरादा की उन्होंने आकाशी की थी ने उसे बरतानी है जो एक धर्म जो कह इसने में कौन ना जिक्र करना कोई जो खुले तय किताब तक की जो एक धर्म सुगर आखिरी सियास ने जो बेशुमार लोग का हया बनाया है ने कि ये जो डाले की किताब से लिखी है ये इशरा करे उसे बच्चे की भी जे जिला कल्पना को गला करने असे उन्होंने और मेरी कोई नहीं अजनी उन्हें असे पढ़ी कोई नहीं अजनी तो गला कुछ करो इस सदर नहीं है ते किताब लिखी ने उन बच्चे ने भी पूछाए और पढ़न असे गला ने सदर हो गया कि जी जुबान के असे इतना सा संभाली रखा आज अगर तहरीर भी शब्द आई है तो इन बच्चे दसे कि इस लाल में कुसम अजना है और अगर बदो और लिखो ताकि बिल्कुल आम हो गए तो मैं उन आमीन मुबारकबाद नाल मैं सोसाइटी को मैं जा सुनाना है ये वक्त की कमी है संत मैं गुरुदेव का समय दूसरा अपने कल बात है उसकी तरफ श्री रक्षो मैं कि लाला साहब ने सुने कि हुक्म आया कि मैं बीएम ना और भी प्लान फिर सबक भी जो है तो कोई इच्छा पर खिलाफ मैं ना पहचान
जरा कम अस बचपन में मिले अस के नहीं हो उन वो अस के इतने तो से बता भी सो अस दिला अस पढ़े लिखे ना काम करने सब आपने तो सेल साइज पर उन्हें भी जाए आज ना लिखी था अस के ऐसे बात अमली को तो पेश की थी मैं छोटी जी काम कर सकती हूँ तो सब खुद भी करो कि दीदी अगर कैसे आपने दोस्तों की या माँ की पैरों पर जो दसो के भाई बालक जरा कम मिस हो ना हो Now I'd like to thank our MP, Dona Pesanan. She can say peace and say a few words. Dona Pesanan. And so clearly his education classes, as far as I'm concerned, need to start soon. All I can say is if I look like Fatima does at 80, then I'll be in plain sailing. Absolutely remarkable woman. Now, I have three special people, or two special people, Dalit as well, because it is his day and it is his book. But between Mrs. Mir, Haji and Dalit, I well truly know the importance and the existence of Puhari. And what I would just like to share with you is how everything that they have told me, and several of you in the audience, over the years, was very much brought home when Amna, Haji and I spent 2 weeks together in Pakistan and Kashmir last year. Because sadly, there are several people in Rochdale and in the United Kingdom that would continue to like to say that Pahari is just a dialect and, you know, tish, 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 little girl, but please don't believe everything that they tell you. Why, if Pahari is only a dialect to be ignored, does every single translator in the British Isle in terms of recognition? Because one of the most important things in terms of elected representatives that are the custodians of your and my taxpayers' hard-earned money is to make sure that the services that they get the money to deliver are meeting the community's needs. Now, wouldn't you say it was a very, very simple question, is the language barrier? Now, I know because of everything that you have told me and I have seen, that lots of the older members of the community will not go to the age concern launching course because they get laughed at because they speak Pahari, because some people are very self-conscious that they think they should speak Urdu, but in reality they speak Pahari. Something that the translators of the British High Commission in Islamabad know well. They said they pretend because they think that they're meant to be able to speak and communicate in Urdu, but they don't. And therefore they have to say to them, there is nothing wrong with speaking Pahari, it is your language. And we speak it too, and therefore speak Pahari. But this is something that social services and Age Concern haven't recognised. And so this is why I wrote a very, very strong worded letter, which I know that Dalit and Amna and others have, to the leader of the council, explaining why they would be in a dereliction of duty if they didn't acknowledge the identity of the Kashmiri nation state, but is a bit to come. That you represent a sizable population of from Kashmir. They speak Pahari. If you are going to monitor whether you deliver services accurately to them, for them, that actually serve their needs, you need to acknowledge their identity in the first place. It is simple. Now, I'm glad, because of the education that Dalit and Amna and Haji and others gave me, that I can make it crystal clear. I could stop the false politics of those that would have you believe it is only a dialect. When you only have your oral
communication skills. It is a lifeline and a vital lifeline. I am dyslexic. I know what it is like to have a problem in terms of a barrier of language and be only able to communicate orally. I understand absolutely the lifeline that Papari is to your community, as well as not just in communications, but in cultural terms. There is a long way to go in educating people outside, in Rochdale and nationally, but with this book and with your campaign, and with now having successfully achieved local recognition for the Kashmiri population that the council serves and I proudly represent, we can actually start to lead the way to ensure that every other Kashmiri community in this country is recognised and served in the same way. There is a lot of talk about cultural breakdown, about drugs, about crime, about unemployment. But if people can't communicate, grandparent to grandchild, great-grandparent to great-grandchild, there is going to be social isolation. There is going to be fragmentation of families. Now, families, no matter how they are configured, are the bedrock of our communities. And therefore, we have to make sure that the vital communication link, the language, Pahari, is there as a lifeline to strengthen that family identity, to strengthen the identity that brings you together, and to educate everybody that would have you believe Mirpuri, Mirpuri. Mirpuri is Pahari, and we need to make sure that everybody that understands that there is a dialect of Mirpuri actually understands that it is Pahari, and it is the dialect of the Kashmiri people. Thank you. सिर्फ इस तकलीफ इस जबान की प्रमोट करने इस किताब की सुनने आविष्कार रह गया और सुनिया उस वक्त में चार पाँच बंदे ऐसे आए हैं जो ज़्यादा आए उन्हें तो सिर्फ एक बंदे की दावत दे सकते हैं ऐसे एक माइंड थोड़ा है मैं आज जो किताब उन्हें गुजारिश कर सकूँ और अच्छी तरह बहुत इतना अवसर है उसे कितना अवसर उसकी तर्जमानी जी होगी ना उस
ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਆਪ ਮੁਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਸ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਿਆ ਮੰਨੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੋੜਿਆ ਕਾਲ ਦਾ ਧਰਮਾ ਕੀ ਪੰਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ
ਅਸਾਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਚੋੜ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਲਤ ਜ਼ਬਾਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਜ਼ਬਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਵਰਤਾ ਦੇ ਵਰਤਾ ਦੇ ਭੱਜੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤਕਾਏ ਵਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੁੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਸਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਕਰਨਾ ਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
सिर्फ ये दसा मेरी गल तो जो कहानियां इन्होंने पीछा है जी एक निकी जी कहानी है वो तो नाले इस तू बाद हूँ इस तू अगे अस क्या करी सकने या अस क्या सोचने मैं क्या कर स महाराज ख्याल है कि यह गल शायद बहुत दूर जानी है कि बंदे बेशुमार सन जिन्हों की सदर सी जिन्हें कई बार सोचा सी असा अपनी जबान भी लिखन होनी चाहिए है बहुत लोग जिन्हें अपने अपने तौर पर जबान लिखी खत्ता की शक्ल जिन्होंने एक दूसरे की खत लिखे उन्हें अपनी जबान भी लिखे एक रिवाज आना से बड़ा चंगा के लोग खत जो लिखने सन तो वह नजम की शक्ल लिखने सन और नजम और जी शायरी होनी सी वह अपनी जबान ने अंदाज होनी सी इस तरह जो शायर लोग सन असाने इलाकों में जो पटवारी लिखने सन या पहाड़ी में लिखने सन मियाँ जमान उन्होंने जमाने को नहीं लिया मियाँ मोहम्मद उन्होंने जमाने को भी नहीं लिया उन्होंने लोग जाहिर है इसे सोच की वजह तो उनकी सोच है सी कि अपनी जबान जी लिखनी चाहिए है तो ही उन्होंने लिखा सी सो ये कोई जी सदर है ये कोई नवी नहीं है इस तरह असली नसल में भी बंदे जो अपने अपने तौर पर बहुत बड़ी सोचा कई जगह गल् भी की नहीं असली जबान में भी यही नहीं है कि नहीं लिखी जा सकती एक बार लिखन हो सी मैं जाती तौर पर मैं समझा कि एक ऐसी नसल भी पैदा हुई थी जिसना मैं भी हिस्सा जी जिले तालीमी अदारे में गुजरी तो जो जो और तालीम ने पौड़ियों पर अपर दिखी गई तू तू उन्होंने दिमागों में दिलों में यह ख्याल भी पैदा होना गया कि आज ये असली जबान जी है होली जबान असली जी जबान है वो कोई जबान नहीं है लिहाजा वो फिर अस कर गीत सुने गजल सुनिया हिंदुस्तानी गाने सुने पाकिस्तानी गाने सुने लेकिन उर्दू सुने नहीं एक पढ़े लिखे की एक तरह की निशानी जी एक झूठी जी असाने दबाव में बनी जानी सी तो यह सच्ची गल है कि मैं जो इंग्लैंड गया था उस तो पहले मारा जरा एक कजन है वो जो पटवारी शेर रहा हाँ जी तो मैं उसने कहा यार बंद कर कोई और नहीं जीतना लेकिन यह मारी आपकी हालत होनी इंग्लैंड आया तो इतने अगर पिछले दिनों में महसूस होया कि शायद असा एक जो मैं कश्मीरी कम्यूनिटी की गल करना कि असा एक जी जबान बोलने में भी एक शायद एहसास कमतरी है तो मैं समझा कि हमारे में भी है तो इस सवाल जरा यह सवाल उठा तो मेरी बहुत सारिया गलों ने भी सोचने को मजबूर किया उस जमाने में इतने एक बनी सी कश्मीर सरकारी की कमेटी जिस तारक महमूद अली जो चेयरमैन इन्हों का काफ़ी कम से वो कमेटी बनाने में तो उस जमाने में ओल्डन में एक बच्चा कत्ल होया ताहिर इकबाल तो उसकी जी कंपेन चली सी पस्ताना कतल से उस हमारे इन दोस्तों ने मुलाकात हुई सी और इस तरह की सब एक जलसा से हाल भरे लोग तकरीर कर लगे सन तो कोई अंग्रेजी करना सी ज्यादातर उर्दू ही तकरीर करने सन तो इन्हों का एक दोस्त से जलील ना मेजर याद है वो ऑडियंस की उठी तो उस गल पाई सन और मनु अपनी सदरा गल की तो गल जो इस तरह से एक बहुत ही एजुकेटेड लर्नड बंदे गल कर रहे हैं लेकिन जबान जिस पाई सर वो यही है जबान की जी अस अज बड़े फखर बोलने लगे हैं तो मिली ये गल बहुत चंगी लगी इन दोस्तों ने जरा माड़ा रबता होया तो तारक ने याद है कि कोई अस पहले से तारक कर रहा कि अस ये जो गल कहते रहे इस झकने अपने बंदे भी थ्री बैठे हुए एक बंदा उर्दू बोलने वाला या पंजाबी बोलने वाला आई जाए तो असा कोशिश करने बोलना बोलने नहीं आनी फिर एक दूसरे का आसा बनाने कोई इसलिए किसी उर्दू नहीं आनी इसलिए उर्दू बोलो असा अपने आप में ला पुराने हालात में थले ले गए तो असा की इस मसले वास्ते कुछ करना चाहिए शायद असा फर्ज भी बनना तो मैं क्या किया जाए
इस टेप इन आ रहा कैसा कि आपको तो हम लेनी चाहिए इस टेप में तो मैं ऐसे नहीं कि मैं आया भी ठीक है मैं गलत नहीं हूँ मैं स्कैन करना पूरे लिखने चिखने की कदम आ रहा है वो ये शायद ऐसा ना कहीं इस आया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई है वो ना सब मतलब कोई दुनिया की जबान ये नहीं लिखी जाए तो उन सारी जबान मसाला लिखिया पास जबान और जबान लिया के ये जबान कोई 50 साल पुरानी है कोई 40 साल पुरानी है कोई 30 साल पुरानी है अंग्रेजी तो 300 साल पुरानी है सो ये स्टैंडर्ड आई हुई है सो ये कोई ऐसी भी गल नहीं है कि ऐसा ना लिखो ऐसा नहीं लिखो सो पहले कैसा ना किस ख्याल की अशना छिया पे सोचा थी लिखी है असा पहला चिपका 1993 में कटिया हो ये असा जाना पहला कटिया सी तभी याद और लिखी लिखी फिर पढ़ी पढ़ी हंसने सा आपू के जरा मतलब एक खूब पसी लेकिन असा चलो दोस्तों वास्ते जरा शुरू कर रहे हैं लेकिन इस चीज की एक कोशिश कर रहा हूं कम अज कम यह अफसोस ना रहा कि असा कोशिश नहीं की तो उस जमाने को लेकर हूं जरा असा इतना हो गया ए मारा खाला पहला 6 साल में जरा सा पैदा कटा है कोई थोड़ा जा नहीं अच्छा तू तो जरा बहुत बड़ा लिखाई असा है कि
लेकिन एक किताब है मैंने सामने ते अगर ये हफ्ते इमाम रेजू साहब ना आज ले तो जरा इसने कंपोजर पर तो इसने जितने भी बाकी काम है वो जरा उन्होंने इसमें भी कंट्रीब्यूशन है अगर वो ना हो तो मैं यकीन है मैं मानना कि अगर एक पाँच दस साल एक किताब लिखिए तो मैं जरा ना पुनः में रेजू साहब ने बहुत बड़ा जिसका जरा वो भी महाराज था सोचा थी कि अब पंच जेल में ही शुक्र था पहले और फिर उन्हें कहे पहले तो बड़े हुए अगर पंजा इशू तक लोकां इसकी जरा ना कमाई सत्य आ गया लोकां इसकी पसंद की था वो ना ये समझा कि हानि कितना कम है तो फिर अपना ये जरा ना जारी रखा लेकिन अगर पंजा इशू तो बाद आइए आता ही कर पाने रहे तो फिर अपना ये छुपी होता कम इस मतलब है कि दुकान इतनी बड़ी चुकी है कि उन्हें देखा नहीं गई लेकिन मैं समझना कि अपना का ख्याल है सहमा इशू है तो इसे आज ले नहीं सा पे चुका है तो होना सही मतलब है असल में भी इतनी होने जाना ये मतलब ही किया कि असा जिन्हें हम जिन्हें आज ख्याल है एक कम चला है उसने तो होना जाना डर है कि अगर मैं सामने वादा करने का होता है काम को नहीं करूंगा लेकिन जितने ज्यादा बंदे जितने ज्यादा जेना लोग इसने विच हिस्सा के सन एक काम जेना पहला तो सी तब ज्यादा आगे पीछे पुश ये खाली इतने ही नहीं होएगा पाकिस्तान में भी काम होएगा आजाद कश्मीर में भी शुरू होएगा उस दिन पहले का सा भी पहाड़ी जबान एक अकेडमी है गोजरी जबान की अकेडमी है डोगरी जबान की अकेडमी है इसका का और भी दिनों का लोकल जबान होनी अकेडमी है और उन्होंने भी काम हो गया उतू नहीं कर लिखना है साला शिराजा नाम उसका जब पारी कौन है उन्हें सब मिलते गया अभी पता लगा राना फजल और तहता के बने मौजूद होते हैं जिले में रचता बीस पच्चीस तीस साल को डोगरी पहाड़ी में गोजरी जबान में लिखने हैं और इसमें पर बहुत कम की गया है इन्होंने भी किताब आई है पंच गलिया पुल जिसने इन सारी जबान पर इन्हें लिखा तो एक साथ ब्रदर थी पट्टी साहब असीम का मिले ये तालिका कॉलेज ने प्रिंसिपल इस टाइप ने बदले जिले आगे भी बहुत ज्ञान कम मन कर लगे हुए और जिटके नहीं बजा दूं और इस किताब नहीं बजा दूं असम एक नवा रिश्ता अपने देश नाल अपने देश के लोगों नाल एक नवा रिश्ता भी बनी गया कि असम जब तक जाने हम खाली नहीं कि मामा मासी की मिला असम ने और भी दोस्त जब दूसरे बनाए जाने आज ही किताब हो गया असम ने क्या करी तो इस तो वाला किताब होना जाना ही है कि असम एक जैसा कि जेले भी दोस्त लिखी पड़ी कि नहीं या होर भी किसी तरीके को जितके भी अगर बताने में और इन किताबों में या होर किताबों जो है ना अगर आने में मदद कर सकते हैं तो वो चिंता तुम्हें भी ज्वाइन कर और उस तुम असम कठे के लिए मिलता क्या बता सकते इस तुम नारा अगले हफ्ते ऐसा एक तारीख रखी गई और शराब ने भी दिल्ली में हुई एक कॉन्फ्रेंस ऐसा बुलाए गए जरा ना पट्टी कॉन्फ्रेंस पट्टी जी जबान या वह कोई भी जबान जी होनी है उसने तालीमी जबान बनाने वास्ते पट्टी जी है वो जरूरी होनी है पट्टी जो बिकायदा लिखी कायदे जो बिकायदे लिखी तो तुम एक कम अकेडमी जैसे तो पट्टी असा चाहे कि जितनी भी जबान अब एक दूसरे की समझी सकियां जिस तरह इन गोदू की नील है डोगरी कोई ये सारी जबान थोड़िया थोड़िया इन्हें जबान और एक पट्टी ऐसी कर दी जाए जेरी एक सारी जबान लिखा जाए बंदे मार चलन और पट्टी जाए आखिरी शक्ल कहने कॉन्फ्रेंस कर उस फाइनल हो जाए उस पट्टी के हर बंदा लिखा और जरा बंदा जिस तरह भी लिखी सकता और लिखा असाने दोस्त मौजूद हैं जेरे उन्होंने जरा ना ठीक ठाक सी करी सकने और जितके भी असा छापसा और ताजे असा सोचने के अंदर मौजूद हैं उन्हें गाह नहीं लगना
वो सोचा हर बंद ने बाल अच्छा को अपनी जगह में खोज लिया मैं काबुल में मां जी अगर कोई गल रही है तो तारिक साहब आज भाई और जो सवाल पर पूछना तो भी नहीं इस
Khan Khali seems to be completing the Quran. The Kashmiri language is now a complete form. We can listen to it, we can speak it, we can read it, but we can't write it now with his blessing and his hard work and commitment. You know, I'm very pleased that he is Kashmiri. I mean, he made us alright, and I'm hopeful that the Kashmiri force and the Kashmiri people will carry on to strive as he has done. I wish to congratulate him on that. वैसे भी आज सांप उसने बोला कि आप जो आए थे लापिक लाभ में जाए थे उनमें शाह अपराध प्रवास जब उसने वर्ष कैसा कि असल में नवान जो आए कश्मीर चुन और पाकिस्तान चुन उन्हें दावा दिसा ऐसे माइक प्रश्न ताकि उन्होंने ये दुनिया सुना वो क्या बारे वो इस बारे बारे क्या दर्शन उन्होंने उन्होंने कोशिश किया अभी हम असाय करते हम कितने ऐसी जगह सुनने मारा सुनने या ऐसी किसी किसी होकर बैठे सुनने हो इसलिए मैं अपनी बात के मैं छोटे तो को रख सकूं मेरा लोगों का भी जिंदगी में रहेगा अपना एक मिशन संगीत है इसने अपना अपनी पूरी पूरी जिंदगी ना खर्च कर चुकी है तो दूसरा मैं इतना कि कम से कम उसने वादे ना इतना जरूर इज्जत दे सो तो मैं जनाब राणा फजल सैद साहब की गुजारिश कर सकूँ बिकॉज तेरे बच्चे तो अपने ख्याल तैयार करें तो दूसरा मैं अपनी बहुत सारी तालियां कि
मियां महमूद कब कोरोना साहब मरू के मित्रो लाडी लागे मामोली बीबी टकरा वडियाया बाबा ए कुटवारी ना ए यार पहाड़ी बंदा बाबा ए कुटवारी ना ए यार पहाड़ी बंदा तार चूर कोरोना संगी इसके पर ना लगती जाए कि मेरे धर्म मियाँ अलाम
की कहानियों पर बात के नंबर आ गई काला जी हमारी जीवन जाति है सवा कश्मीर ने ऊपर लिखकर सुनाई गया था उस आख्या एक किताब कश्मीर खुदा से आ गई बाबू का अश्मी उन्होंने के नाम करी है जनमत ने जम्मू कश्मीर ने सारे लोगों ने मान लगाई पड़े मारे मनी भी कौन सुना जनमत तू भी व्यस्त गई इस पंजाब के अखबार है सच्चे सच्चे चौथे सैयद के एक अंगूर ने मारा मान के दिमाग सच में अपमान पड़ाया मारे मित्र चमको अनदिखे प्रेमी तारक होना मेरी बड़ी सत्कार में बात अक्सर इमाम मुलाकात है ना पटवारी पहाड़ी अगर बात तमाम
खूबसूरतियों नाल पता नहीं कितने घूम ही गई। तो 40 साल पहले मुझे मौका मिला कि मैं इस प्रोग्राम में रेडियो प्रोग्राम इस दबा हमें शुरू किया टेलीविजन से प्रोग्राम किया इस दबा ने रेडियो से प्रोग्राम किया इस दबा ने अखबार च लिखिया कि जबान एक बहुत बड़ी बोर सी इसलिए एक जड़ पर गमी गई सी मैं अपनी कलम नाल उसने गोडी करना है मैं अपनी सोचन है मैं अपनी सदन अपनी रीझा ने पानी पाना लेकिन के जड़ कोई ना फूटी मैं इसकी जबान की तारीख न मुझा भाई एक काम तो मैं उठा कर बने जिसे जड़ पर घूमी गई सी के बूटा आनी इंग्लैंड में फुटिया तो सन कमाल इस मकसद से एक गल बनाने तई मैं इज्जत आज हासिल कर रहा हूं तो सारे मैं काम कलाम मारे तो दस ही नहीं कि मैं अदा कर सका तो सन शुक्रिया कि तुसा इस जबान की फिर जिंदा करने वास्ते कितना बड़ा मुआवजा किया इसने वास्ते मैं तुसा सारे भैणा भरा धियां भैणा ना बच्चिया ना सारे ने शुक्रिया अदा करना तो तुसा की मुबारकबाद पेश करना अली अदालत की किताब मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी रीज मेरी उम्मीदों ने बहुत बड़ा समाया मेरे ख्वाबा की ताबीर है और अज जो गल इस किताब के बारे चुनी उन्होंने गल रही भी है पर पता नहीं नहीं उस तरह हुई सभी जिस तरह होनी चाहिए है या मैं महसूस किया कि उस तरह नहीं हुई तो मैं जरूर करना चाहता वो गल है भाई किताब समय सामने ये पहाड़ी पछवारी नसर की पहली किताब कोई भी जबान जबान बनी नहीं जानी जब तक उस जबान में कोई नसर छपी ना हो लिहाजा मैं समझना वा कि इस किताब ने पटवारी पहाड़ी जबान की एक जिंदगी दी है उसने सफर का आगाज किया है और उसने वास्ते मैं पूरे वसूख नर्ज कर सकता उसकी खिदमत और पूरे तराम नर्ज करना उसकी खिदमत पे कम करने वास्ते चिटका कमेटी आया बहुत बड़ा फर्क केड़ा इलाका सी पर सारे इलाक नदियां कसियां कसा
उन्हें बहुत सारे निशान में दिसने सन तो उन्होंने पानी भी सी जो दियो उन्होंने पानी में मुंह तकना सी तो इस तरह लगना सी जिस तरह दिनी बिजली करकारे पे मारना मैं सोचने लग गया अरे अदालत ने मशहूर कहानी किरण काली के चिटका विच भी इससे बिजली करकारा मारिया सी तो पहाड़ बूहे ने घोड़े आर उठन लगे गए सन क्यामत की निशानी अरे अदालत ने गया गल सोचना पड़ा उसनिया कहानियां के अन्य वेले में सजाखियां टोरा ने कहे नक नक्शे माड़ी नजर जिमीदार पई उत्थे भी बहुत सारे नक्शे सन विचों सारे नक्शे इन्हें रौलिया ने तो सारे रौले इन नक्शे ही है मैं हम क्या कोई के गल मिलन भाई छोड़ी ताकि दिले आख्या सच अपने अरे अदालत अपनी किताब पुंछ ने सरमद विच के नक्शे अपनिया पात्र को अपने पात्र को पढ़वाए मैं रीडिंग कराई तो फिर जो कुछ समझ आएगा वो दसिए कदे रोया तो कदे ऐसे मैं इतनी सोची नजरों कोई खा खा पड़ी ऐसी शाबा नाई जो तो कम मैं कभी नहीं मैं क्या मार हुए तो कम अब मुबाद आई तो और क्या दोस्ता है जी दसिए तो तू की लग सिया उसने कहानियां की खोली खोली तक को उसने पात्रा मतलब किरदार में पिंडावा तां गल कुर्सी फिर पता लग सी अंदरी गल के ठीक गल सी अपरू अपरू जेड़े पार तके ते अखाना मिट्टी जेड़ी उन पारा ने सी ओ भूलना इन दो गल बड़ा फर्क आ फिर उसने एक कहानिया ने सारे कौत सुपा करे केड़े केड़े नार बासा लासा केड़े केड़े ना रूप जगासा किस किस ने अपनी चार नासा ते केड़े केड़े पर पल्ला बासा औखा काम आ जाता फिर पूरिया अठ कहानियां तो नवी सुनी अपनी वाकई यारा उसने तो अपनी कहानियां सुनी असलियां खेलनिया बहुत सारिया गल्लां बहुत सारे किरदार उन्होंने खुरा तो उठ ही टुसिया अनु दिसिया हर चलो ठीक बग्गा बबियामिया एक किरदार है जी किरदार उसने कहानी बग्गे ने पग ना सोना कत्तेरा किरदार हाय ओए बग्गे बबियामिया जिसने दियो दादी दिया सामिया विच फरे मंगला लिया ना पानी ले गया तो फिर वो बेचारा भी मंजी पर प्या प्या गोते खाई खाई मरी गया किस तरह दिया खोलना है बेचारे दिया अगर तो हला सावे तोते ने गल बनो सावे तोते अला कावा जिसने कबरे पर चूरी ने चढ़ावा चढ़ना पिंडी 502 और शाका कुलू की नी ते उस बोड़े तक जितना उसने मजार आ बहुत सारी लंबी कहानी है अरे दाता नहीं बाबा और उठे एक टोकरी जी कहानी बनाना सा तो नारा सा लोगो मारे गए और बिल्कुल मारे गए फिर अपना कहानी में एक आपको मरिया मरिया दसी गया पर पिंजरे च तोता आया मारे मरने के बाद उसकी बात पड़ी आए वो उठरी की जिसने सिरे पर बैठा उसकी नवा आपन बनाई गई तोता एक बात ग्रहण से रत जाई बैठा एक पानी बाण 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 मरी गया तोते ने कई तोते तो बात ग्रहण ने कई बात कर पड़े ते पानी आ के जो नहीं बारे चार न दुख के साथ भाई लोग तोते अपनी सियाड़ने की बात ग्रहण की सियाड़ने पर अपने दुखा भी किया इस सियाड़ने पर ना जरा ये बाबे कदू भाई सिया ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਂਦਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੋਟੋ ਰਲਾਈ ਕਿਤੇ ਧੌਰ ਛੋੜ ਟਰੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਾ ਨਾ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦਾ ਲਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਸੀ ਨੇ ਅਖਸ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਥੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕਿਸੇ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਕਲੀਕ ਰਾਤੀ ਚਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਡੇਰੇ ਜਨਾਨ ਮੋਸੇ ਜੀ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਚੁੱਪ ਕੇ ਦੋਰ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਬੈਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਫੱਟੇ ਨਾ ਖੜਕਣ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਈਟ ਬਾਲਣਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਫੁੱਚਕਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਾਰ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿੜੀ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੰਨੀ ਛੋੜਨਾ ਵਿਕਰਮ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ੇ ਪਰ ਡੈਣੀਆਂ ਬਾਤ ਤਾਂ ਭਵੇਂ ਐਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਨੀ ਪਰ ਅਮਰੂ ਉਸਨੇ ਤਮਾਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ
धमाके को भी घबराई गया और अपना हाथ इन्होंने मित्र करना जिन्हें धर्मों उसने कई महादरे वंडन गए उन्हें वंडे गए महादरिया पर उसका लोग उड़ना गया तो मां की बात उसने बड़े महादरिया पर उसना डुब गया तो कोलू किसी अपने मां की बात उसने जिस होर कई महादरे च रली कै गमदान पाया उसने मतलब है अदालत की अपनी बात उमी है आखना क्या मैं बहुमारी उसने किया रीजन इंग्लैंड भेजा सा आसा मेदा दिया और बहुत सारिया अखियां भी सन उसनिया जड़िया चेते रह गई खाबा में रह गई हूं तक बहुत तक खाब भी कोई नहीं आई मां प्यो भैन भरा अंग साग सज्जन बेली तो बेचारी जनान बारो बार चिटी कंधे पर आए पानी गिले किए ने जारियां कीतिया ने स्यापे किए ने और छोड़े कान कीतिया ने पर मैं कोई ना बोलिया प्यार में सिख एक बहुत पुराने सिख दली ने सामने आने की होती उसकी तकने सारी उसकी पता नहीं क्या पड़ा आखी है वो अपने अथरुआ छू ली है बोले दबा लाई बेचारी जीनत बाहर आई बेचारी सीमा ने छोड़ दिया कोई नहीं थोड़े आई गल उस जवाब देने तक यहां मुंह नहीं सी खोलिया कि चिट्टी कंध फिर काली छा हो गई फिर मजबूरी नहीं आई वो गल पुंछ ने शर्मा डाली राजे ने जमात्रा इब्राहिम वो इब्राहिम जरा महिला च नहीं नहीं अद्धा राजा बनी गया से जो अचन चे राजे की धी ब्याह तो पहली रात मरी गई तो उसकी महलों बाहर चीती छोड़िया ने वो चला हो गया एक शिमक की नीर जिमी की कुटना सा आखना सा जाग ना हो जागने की ने जाग से तो मेरे सुखी रहसे जाग ना कदू जाग से कदू जाग से कदू जाग से इब्राहिम दली बगा तोते वाला बाबा शीशे दिया मित्रा वाला मुहादरा ये तो सारे उसने अपने सन ये वो आप ही सन हूँ तो उसकी नाम सियाने तो दसो इतने सुबड़ सियाने जो बैठे हुए हूँ कोई उसकी नाम सियाने ऐडे सुबड़ सियाने बैठे हुए कोई उसकी नाम सियाने तो दसो वो बेचारा कहता है किस्सा माड़ा मजमून तो इस तू बाद मैं इसकी दसना चाहना भी हूँ कहते हूँ तू दसता है कर दूरी किताब लिखी छो बहुत बेहतर मैं शहर बड़ा
इस हाल में आज कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसकी मैं दादी को बनना चाहता हूं। मैं समझना कि इतनी बात सर्दी है या इतने ज्यादा जलसे भी हुए बंदे तंग भी आई जाते हैं, उसकी इतनी गैदरिंग की बजाय इतने बंदे इकट्ठे होने की बजाय हो।